हाय गाइस, गुड मॉर्निंग सबको। तो कल मैं इस रूम में रुका था। काफ़ी बेसिक सा रूम था, मेरे को 500 रुपये में मिल गया था और बिल्कुल ही बेसिक था, गीजर भी नहीं था, तो मैं नहीं नहाया। और कल मेरे को करीबन 10-10:15 बज गए थे बद्रीनाथ पहुँचते पहुँचते। तो अभी मैं तैयार हूँ, ठंड बहुत है, कम -2 डिग्री टेम्परेचर है गूगल के अकॉर्डिंग। और ये मैंने पहना हुआ है मोकी कैप सी है, काफ़ी अच्छी, इसको हेलमेट के नीचे पहन सकते हैं। और तो अभी मैं निकल रहा हूँ माना के लिए। माना करीबन यहाँ से 3 किलोमीटर होगा और टाइम हो चुका है, 8 बज चुके हैं। तो चलो निकलते हैं, आपको बाइक में मिलता हूँ मैं। तो माना विलेज पहुँच गया था मैं। तो ये इस तरफ का इंडिया का आखिरी विलेज है और ये जो रोड जा रहा है मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये शायद माना पास से, माना पास के लिए जा रहा है। तो अगर आपको माना पास जाना है तो आपको SDM जोशीमठ और ITBP से परमिशन लेनी पड़ेगी। होपफुली एक दिन मैं भी जाऊंगा। और माना पास वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है, तो ये बकेट लिस्ट में है मेरी। तो मे बी वन डे मैं माना पास जाऊंगा। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ गाँव की तरफ। पहुंच गया था माना विलेज। ये एंट्री है माना विलेज की। फिर अभी मैं निकलूँगा वसुधारा फॉल्स के लिए। यहाँ से करीबन 8 किलोमीटर होगा, 8 या 6 किलोमीटर। तो अभी मैं यहाँ पे चाय पीने के लिए रुका हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया। तो मैं वसुधारा की तरफ जा रहा हूँ और मैंने ये चाय ली है एक आंटी से। आंटी ने पकड़ लिया था मेरे को। यहाँ पे जितनी आंटी है ना, जितने लोग जा रहे हैं सबको पकड़ पकड़ के बोल रहे हैं हमारी चाय ले लो। तो ना मैं इसको बैग में ही डालूंगा, मैं पकड़ के रख रहा हूँ ताकि कोई दूसरी आंटी ना बोले हमारे हमारे से भी चाय लो। और करीबन 700-800 मीटर मैं कर चुका हूँ अभी से। शाम खुल गई, एक तो हाइट है, ऊपर से पीछे बैग टांग रखा है मैंने, और दूसरा बैग ये भी है मेरा, पेट इतना बड़ा। और आप नज़ारे देखो यार, अगर आप पीछे देख पा रहे हो तो, हो भाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है ये, बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह। पता नहीं कितना चलना पड़ेगा, एक मैं कैमरा एंगल घुमाता हूँ। ये जो आप रास्ता देख पा रहे हो, ये रास्ता शायद जा रहा है वसुधारा फॉल्स के लिए। और यहाँ पे वेद व्यास जी की गुफा भी है, जहाँ पे उन्होंने 4 वेद लिखे थे बैठकर। तो वो शायद रास्ते में है, देखता हूँ मैं कंफर्म नहीं हूँ, लोकल्स से या आते जाते लोगों से पूछ के फिर मैं देखता हूँ। वहाँ अगर कुछ दूर हुई वो तो मैं नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मेरे को वापस भी पहुँचना है रात को। और 9-9:30 हो चुके हैं ऑलरेडी, और कम से कम 1 घंटा जाने को लगेगा मेरे को। तो मतलब अगर मैं सिर्फ वसुधारा फॉल्स ही गया फिर भी मेरे को 12-1 बज जाएंगे यहाँ से निकलते हुए, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगा मैं। हाँ, तो मैं इस समय हूँ भीम पुल के पास। तो ये आप जो पीछे देख पा रहे हैं मेरे, ये भीम पुल है। तो इसकी जो कहानी है, जो लेजेंड्स हैं, वो ये हैं कि जब पांचों पांडव जा रहे थे तो ये सरस्वती नदी है, तो ये जाने नहीं दे रही थी, क्योंकि काफ़ी तेज़ पानी था इसका और ये जाने नहीं दे रही थी। तो भीम ने क्या किया था, तो ये जो पत्थर है
ये पत्थर फेंक कर रास्ता बनाया था, तो वो इसी को क्रॉस करके गए थे। तो ये मतलब है ये भीम पुल का। और जो आपको मैं व्यास गुफा के बारे में बता रहा था वो एक्चुअली पीछे रह गई है, अगर हो सका तो मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं तो अगली बार से ही। तो मैं आपको उसका महत्व भी बता देता हूँ। तो जब व्यास जी मेरे ख्याल से गणेश जी बोल रहे थे और व्यास जी लिख रहे थे, ऐसा कुछ था जो वेद लिखे हैं उन्होंने, तो मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है। तो जब वो लिख रहे थे तो ये सरस्वती नदी बहुत ज़्यादा शोर कर रही है, आपको अभी भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी नदी की। तो उन तो जो इस पहाड़ के पार दूसरी तरफ एक गुफा है उनकी, जो गुफा है, तो उन्होंने सरस्वती नदी को श्राप दिया था कि तू आवाज़ तेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। और अभी देख लो इतनी ज़्यादा आवाज़ होने के कारण उस गुफा बहुत पास में है और वहाँ तक इसकी आवाज़ नहीं आती है। तो ये मतलब है दो कहानियों का, या जिसे कहते हैं दो अट्रैक्शंस हैं जो माना की जो अपनी हिंदू समाज के साथ जो जुड़ा हुआ है, जो लेजेंड्स हैं। तो अभी आगे चलते हैं सरस्वती फॉल्स की तरफ, पता नहीं कितना किलोमीटर होगा। और यार सनस्क्रीन नहीं है मेरे पास, मेरे को लेके आनी चाहिए थी, फिलहाल मैं खैर कोल्ड क्रीम से ही काम चलाना पड़ेगा। चलो अपडेट करता हूँ आपको मैं थोड़ी देर में। तो 2 किलोमीटर मैंने कर लिया था और ये दो भाई लोग मिले मेरे को, ये है हिमांशु भाई, ये मेरा नाम सेम है, और ये है अक्षय भाई। और भाई मैं बताऊं, जिस जिस का पेट बाहर निकला है ना, बताओ बताओ, मैं बता रहा हूँ आपको, और पेट अंदर करके आओ, आओ पेट अंदर करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, पेट बाहर है, ये हिमांशु भाई की तरह। और रास्ता देख लो, रास्ता पहले भी ठीक था, तो थोड़ा सा मैं कैमरा एंगल घुमाता हूँ, यूँ करता हूँ, देखो तो रास्ता थोड़ा सा ऐसा हो गया, ठीक ठाक है, चलने लायक है, कुछ कंप्लेंट्स नहीं है। आधा रास्ता ही हुआ है और भाई बहुत बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। और जितनी चढ़ाई है ना, जो वो एक कमी है, सांस फूल रही है, चला नहीं जा रहा है, वो सब पूरी कर रही हैं ये वादियाँ। ये देखो आप, कैमरा घुमाता हूँ एक बार, अब देखो है कि नहीं। हवा टाइट है, करीबन 1.5 किलोमीटर बचा है अभी, और बहुत चढ़ाई है, बहुत जोर लग रहा है, पर यह करना है, करना शुरू है। 1.5 किलोमीटर रह गया और मैं आपको करीबन कैमरा बताता हूँ। और पहाड़ देखो, देख पा रही हो गया, सुन गया मैंने, बहुत सुंदर पहाड़ है ये, पता नहीं कौन सा है, काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी हाइट पे है। और अगर थोड़ा इधर का करूँ और जूम करूँगा, ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है ये ही वसुधारा फॉल्स है, और देखने में तो सामने लग रहा है पर ये कम से कम 1.5 किलोमीटर है। तो चलो अपडेट करता हूँ आपको मैं।
बढ़िया जी, वाटरफॉल बिल्कुल सामने है हमारे। पानी खत्म हो चुका है, कैमरा पकड़ने की भी हिम्मत नहीं है, बहुत मुश्किल से कैमरा घुमा रहा हूँ एक बार। तो ये है वसुधारा फॉल, कम से कम 200 मीटर और होगा, पास दिख रहा है पर अभी 10-15 मिनट लगेंगे कम से कम। चलो मैं चलता हूँ फिर आगे। हाँ वो तो 3 किलोमीटर पहले ये भी कह रहे थे कि 1 किलोमीटर बचा है। हाँ हाँ आ रहे हो। फाइनली वी आर रीच्ड। वाओ इधर से आओ, इधर से आओ। हाँ ये बहुत ज्यादा सुंदर है ये। पर रास्ता ना खतरनाक, बहुत खतरनाक रास्ता है। मैंने सारे पकोड़े खा लेने थे। नहीं यहाँ यहाँ होने चाहिए थे पकोड़े की जगह, है ना? हाँ चाय और पकोड़े, मजा आ जाना था। क्या ऊंचा है ये। मैं हूँ बिहारी। तो वसुधारा फॉल्स पहुंच गए थे हम। और ओहो भाई मैंने गलती कर दी है बहुत बड़ी, मैं बैग लेके आ गया। तो अगर आप आओगे तो बैग किसी दुकान पे छोड़ आना या अपने होटल वाले को दे आना या देख लेना गाड़ी में जैसे भी आओगे, पर बैग मत लेके आना भाई, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बैग लेके आना ना, सुबह भी कपड़े ज्यादा पहन के आना। और क्या, और मेरे पास राइडिंग जैकेट भी मैंने पकड़ रखी थी, उसका वेट लग गया। पर पहुंच गए जैसे कैसे करके, पर पहुंच गए, संतुष्टि है, आनंद है। आनंद ऐसे ही बात है भाई। जब आप नीचे ब्लॉगिंग करोगे, नीचे नहीं जा रहा मैं, आप ही जाओ, मैं बस हो गया मेरा। जाओ जाओ ना ना। पानी की मान्यता भूत बोलो। तो जो लेजेंड्स हैं इस झरने के बारे में या जो हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर कोई आदमी जिसने काफ़ी पाप किए हों वो यहाँ पे आता है तो तो ये झरना वापस हो जाता है, मतलब झरना नीचे नहीं आता, ये ऊपर को चला जाता है, ये ऐसी मान्यता है। तो यार मेरे को लग रहा है झरना ऊपर जा रहा है, मेरे को देखिए तो नहीं ऊपर जा रहा, देख लो देख ना भाई, मैं तो पाप किए नहीं है, करने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया है। निकल गए थे हम वसुधारा से, करीबन 1 घंटा लगेगा, 2:30 बज चुके हैं। और यकीन नहीं आ रहा इतनी चढ़ाई चढ़ के हम ऊपर तक गए थे, मेरे को तो यकीन नहीं आ रहा मैं इतनी चढ़ाई चढ़ भी सकता हूँ कि नहीं। और ठंड हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे सूरज नहीं पड़ रहा है, एक पहाड़ है इसके पीछे सूरज छुप गया। चलो मैं अब है तो है नहीं रास्ता कुछ खास, वही रास्ता है, माना जाके अपडेट करता हूँ आपको, वहाँ जाके खाना पीना कुछ करेंगे। मैं तो सुबह कुछ खाया नहीं था तो पकौड़े लेके आया था मैं भीमपुल के पास से, वही खाए थे मैंने। चलो अपडेट करता हूँ आपको मैं।
तो माना हो गया था, अभी टाइम हो चुका है कम से कम 5:15 हो चुके हैं। मैंने सोचा था 1:30 बजे तक निकल जाऊंगा, पर वासुधारा वाला जो रास्ता है काफ़ी लंबा था, 8 किलोमीटर था मेरे ख्याल, लगभग 8 किलोमीटर, और चढ़ाई थी काफ़ी ज़्यादा। और व्यास देव जी की गुफा है यहाँ पे, मैं वहाँ पे नहीं जा पाया, अगली बार जाऊँगा, अभी टाइम नहीं मेरे पास, मेरे को वापस पहुँचना है। ठीक है, चलो आपको मैं थोड़ी देर में अपडेट करता हूँ, देखता हूँ जोशी मठ या कहीं उसके आगे पीछे होटल वगैरह लूँगा मैं। चलो तो यार वीडियो को यहाँ पे बंद करते हैं, होपफुली आपको अच्छा लगा हो। और माना के बाद उसके बाद मैं घर पहुँच गया था अगले दिन। और अभी मेरे एक हर्षिल वैली और एक किन्नौर वैली, ये इनके ब्लॉग पेंडिंग है, तो कीप सब्सक्राइब। और मेरे को थोड़ा फीडबैक देना कि क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो चलो मिलता हूँ आपको आगे वाली वीडियोस में।